वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करने से पहले आप कैसे उस वीडियो को प्लान करते हो वो डिसाइड करता है कि आपका वीडियो कैसा बन गया आएगा। और वीडियो प्लान करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी स्क्रिप्ट कैसी है। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, और अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आपका वीडियो अच्छा बन गया आएगा। और अभी आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने फर्श पर लेट के क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो को रिवाइंड करके दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग, आई कैन रीच डोर। मैं सुबह ऐसे नहीं उठता ऑब्वियसली। अच्छे स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक आपको मस्त सा आइडिया चाहिए होगा, और आइडिया ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि आप अगर बैठ के सोचोगे आइडियाज़ के बारे में तो जरूरी नहीं कि आपको एक आइडिया आ ही जाएगा। आपको हो सकता है कि रिसर्च करना पड़े, आपको पता करना पड़े कि आपकी ऑडियंस कैसी है और आप किस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो। जो ऑडियंस चाहती है और जो आप चाहते हो, क्या वो दोनों म्यूचुअली मैच कर रहा है, वो एक आपका आइडिया हो सकता है। उसके बारे में आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कर सकते हो। मेरे को बहुत सारे आइडियाज़ तब आते हैं जब मैं बहुत रैंडम कर रहा हूँ। कभी मैं गेम खेल रहा हूँ तब मेरे को आइडियाज़ आएंगे, कभी मैं कहीं जा रहा हूँ तब आइडियाज़ आएंगे, हो सकता है कि मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ फिर आइडियाज़ आएंगे। जब भी मेरे को कोई भी आइडिया आता है, मैं उसको अपने फ़ोन के नोट ऐप में उसी टाइम टाइप कर लेता हूँ। मैं सारा जो भी काम कर रहा हूँ उस टाइम रोकता हूँ और उसी टाइम लिख लेता हूँ। ये मैं आपको ही बता रहा हूँ, अगर आपने वेट किया कि ओके थोड़ी देर बाद लिख लूँगा ये आइडिया, या घर जाके इसको लिख लूँगा, या इस आइडिया पे वीडियो बनाऊँगा, और आपने उसको नोट नहीं किया, तो मैं पक्का बता सकता हूँ घर जाके आप भूल जाओगे कि वो आइडिया क्या था। इसलिए जैसे ही कोई भी आइडिया आता हो, थोड़ा सा भी कुछ भी, उस टाइम ज़रूर अपना फ़ोन खोले और नोट ऐप में उसको नोट कर ले, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ वो आइडिया चुटकियों में गायब हो जाए आपके दिमाग से, और आप कितना भी सोचते रहोगे वो वाइड आइडिया वापस नहीं आएगा। मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं स्क्रिप्ट लिखने का काम सुबह सुबह करता हूँ, यानी कि मॉर्निंग में सबसे पहला काम स्क्रिप्ट लिखने का ही करता हूँ, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट काम है आई गेस, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च करना होता है और बोरिंग है, क्योंकि लिखना किसको पसंद है। बट अगर मेरे को अच्छी वीडियो बनाना है तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, और प्लान के लिए मुझे स्क्रिप्ट चाहिए होगा। इसलिए चाहे ये कितना भी बोरिंग हो, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अच्छी वीडियो के लिए, क्योंकि हमने रात भर रेस्ट किया है तो हमारा माइंड सुबह सुबह बहुत फ्रेश होता है जब भी हम उठते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाता हूँ, और उस कॉफ़ी को लेकर वो अपने वर्क स्टेक्स पे आ जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं फ़ोन में चेक करता हूँ कि कौन कौन से आइडियाज़ मैंने ऑलरेडी उसमें लिख रखे हैं, किस आइडिया पे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, कौन सा आइडिया मेरे ऑडियंस को पसंद आएगा वो डिसाइड करता हूँ, उसके बारे में रिसर्च करता हूँ। उस आइडिया के बारे में मेरे को नॉलेज ऑलरेडी है, फिर भी मैं इंटरनेट पर जाके और भी उसके बारे में पढ़ाई करता हूँ, और इन डेप्थ में जाके मैं उसके बारे में नॉलेज लेता हूँ, उसके बारे में सीखता हूँ, मुझे क्या पता है क्या नहीं पता, मैं ऑडियंस को क्या बता सकता हूँ, क्या नई चीज़ अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूँ, वो सब चीज़ रिसर्च करके एक जगह लिखता हूँ। और उस आइडिया पे किसी ने अगर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है तो मैं उस वीडियो को भी देखता हूँ, कॉपी करने के लिए नहीं, बस आइडिया लेने के लिए कि वो कैसे बना रहे हैं और मैं कैसे अपने तरीके से उसी आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ वो ऑलरेडी किसी ने बना रखा है। चाहे आप कोई भी आइडिया ले लो, कितना भी यूनिक आइडिया ले लो, अगर आपने वो आइडिया सोचा है तो इसका मतलब वो आइडिया ऑलरेडी किसी ने यूट्यूब पे बना के रखा होगा और आपको उसके बारे में वीडियो मिल जाएगा। बट इससे आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि ये ओरिजिनल आइडिया नहीं है, उसमें ओरिजिनल आप हो। आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, आप उसको अपने ऑडियंस को कैसे बता रहे हो, वो आपका ओरिजिनलिटी है, और आपकी पर्सनालिटी आपकी ओरिजिनलिटी है, आपके जैसा और कोई भी नहीं है। दो तरह के स्क्रिप्ट होते हैं, एक वर्ड टू वर्ड और एक बुलेट पॉइंट। वर्ड टू वर्ड में होता है कि आप हर चीज़ लिखते हो, आप क्या बोलने वाले हो, किस तरह से बोलने वाले हो, आप हर चीज़ लिखते हो उस स्क्रिप्ट में, पूरा लाइन,
जैसे मूवीज़ की स्क्रिप्ट होती है। और बुलेट पॉइंट के स्क्रिप्ट में ये होता है कि आप सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखते हो कि कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, और उसके बाद जो भी आपको बोलना है वो आप रिकॉर्डिंग के टाइम सोचते हो और वो खुद ही आप अपने अंदर से बोलते हो जो आपके पास नॉलेज। मैं दोनों तरह की स्क्रिप्ट लिखता हूँ, डिपेंड करते हैं कि कैसा टाइम है और क्या किस तरह का टॉपिक है। अगर टॉपिक ऐसा है जो मैं जिसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको बुलेट पॉइंट में लिख देता हूँ। बट कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें टेक्निकल वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं उसको वर्ड टू वर्ड लिखता हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए। अगर आप वीडियो बनाने के लिए नए हो, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, तो आई विल सजेस्ट कि आप वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखो, ताकि जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस टाइम आपको रुक के सोचना पड़े कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, या आप कुछ गलत ना बोलो। और अगर आप ऑफ स्क्रिप्ट भी हो जाते हो तो उसमें कोई बात नहीं है। जब आपके पास स्क्रिप्ट होता है तो वीडियो शूट करने का प्रोसेस या वीडियो एडिट करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी और जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्लान्ड है। स्क्रिप्ट के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि आपको किस तरह का शॉट चाहिए, कैसे आप शूट करोगे, किस तरह के अलग अलग एंगल्स चाहिए, वो सब भी आप प्लान कर सकते हो, तो शूटिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और आपको ये भी पता होता है एडिटिंग के टाइम कि आपको कौन सा पार्ट कट करके हटाना है या कौन सा पार्ट आपको रखना है। तो इस तरह से स्क्रिप्ट की वजह से आप एक अच्छी वीडियो प्लान कर सकते हो, एक अच्छा वीडियो शूट कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि आप नए हो या एडवांस्ड हो वीडियो शूट करने में, अगर आप वीडियो बना रहे हो तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, चाहे वो बुलेट पॉइंट हो या वर्ड टू वर्ड हो। बिना स्क्रिप्ट बिना प्लानिंग के अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपको भी नहीं पता कि आपको आपकी वीडियो कैसी बन के आएगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की भी हेल्प कर सकती है तो उसके साथ शेयर करें। हो सकता है ये कोई यूट्यूब चैनल खोलने वाला है और उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे वीडियोस बनाएं, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। मेरे पास और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको वीडियो क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगी, तो वो जाकर चेक करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए